नमस्कार, मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक नाइजीरियाई नागरिक और एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी चप्पलों की खेप में छुपाकर रखे गए 99 ग्राम कोकीन पाए जाने के बाद हुई। हवाई अड्डे पर जब्त करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि पार्सल को थाने जिले के बदलापुर इलाके में एक पते पर पहुंचाया जाना था, जिसे अधिकारी ने रोका और 3 जोड़ी चप्पलों में छिपाकर रखे गए 99 लाख रुपए का कोकीन बरामद किया। अधिकारी ने बताया कि 3 दिनों तक चले अभियान के बाद एक रासायनिक सप्लायर और एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पे आए दिन गोल्ड और कोकीन की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एसपीओ यूट्यूब चैनल। मुंबई मास्क सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।